खबर झालावाड़ से है, जहां अवैध रूप से चल रही दर्जनों अवैध आरा मशीनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। वन मंडल झालावाड़ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। झालावाड़ में अवैध रूप से संचालित आधा दर्जन आरा मशीनों पर कार्रवाई हुई है। आरा मशीन संचालन में प्रयुक्त संसाधनों और अवैध लकड़ी के स्टॉक भी जब्त किए गए हैं। आधा दर्जन मशीनों को सीज कर दिया गया है। नागौर से खबर है, पत्रकारों पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक पुलिस 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तीनों आरोपी लंबे समय से जुआ सट्टे में लिप्त हैं। घटना में फिलहाल 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। अपराध पत्रकारों के साथ में वारदात हुई थी, उस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसी रात को करीब 10 व्यक्ति अरेस्ट कर लिए थे। और कल फिर जो मेन मुलजिम थे, जो भागे हुए थे, पुलिस की टीमें लगातार उनका पीछा कर रही थी और उनको भी। चित्तौड़गढ़ शहर के कुंभा नगर इलाके में घर से सोने के जेवरात चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शहर की सदर पुलिस ने चोरी में लिप्त और खरीदार सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खरीदार से चोरी के सोने के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। मामले में पूर्व में एक महिला को गिरफ्तार कर 3 नाबालिग को निरुद्ध किया जा चुका है। खबर बूंदी से है, जहां नदी में डूबने से बालिका की मौत हो गई। रायथल थाना क्षेत्र के देलुंदा गांव में मेष नदी में डूबी है बालिका। सगस जी के स्थान पर पूजा अर्चना करने परिवार के साथ ये बालिका आई हुई थी। सूचना पर रायथल थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा होने से रेस्क्यू बंद किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह फिर से शुरू होगा। चित्तौड़गढ़ की मंगलवाड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी पर पुलिस की ओर से 50,000 का इनाम रखा हुआ था। आरोपी पर सांचौर में NDPS एक्ट के 4 मामले दर्ज थे, तो वहीं 2 मामलों में आरोपी फरार चल रहा था। बता दें कि पुलिस ने 23 मई को मुखबिर की सूचना पर आरोपी के घर पर दबिश देकर 6 किलो 870 ग्राम कोडिन ड्रग्स बरामद की। डूंगरपुर में प्रशासन ने दुकानों के बाहर और सड़क पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। जहां तालाब की पाल से गांधी आश्रम तक मुख्य रोड के दोनों तरफ में बिना स्वीकृति के अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई, तो वहीं इस दौरान 13,750 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। देश भर में विजयादशमी को दशहरा मेला व रावण दहन होता है, लेकिन जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में विजयादशमी से 4 दिन पहले ही दशानन का दहन हो जाएगा। यह परंपरा 155 वर्ष से चली आ रही है। यही नहीं, क्षेत्र के गांव में अलग अलग तिथियों को दशहरा मेला व रावण दहन होता है। नांदरी गांव में होली के बाद रावण दहन होता है, यानी रावण एक दिन नहीं मरता, पूरे 6 माह मरता है। सबसे पहले रावण दहन की शुरुआत मंगलवार 8 अक्टूबर को कस्बे के दशहरा मैदान में 50 फुट के रावण के पुतले के दहन के साथ होगी। इसी माह की अष्टमी को रेनवाल के छमावाली मैदान पर रावण दहन होगा। इस तरह कस्बे में 2 दिन रावण दहन होता है। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि की छठ के ऊपर ये मेला आयोजित किया जाता है, जो हमारे ये दक्षिण भारत की जो शैली है, वीरवाद शैली, उसके आधार पर ये नृत्य का संचालन किया जाता है, जिसमें मुखौटा नृत्य जिसे कहते हैं। और ये पूरे भारत में सबसे पहले अपने यहाँ राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में सबसे पहले। सिरोही के जावाल से खबर है, तेज रफ्तार गेटवे गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर मारी गई है। टक्कर के बाद 20 फीट तक घसीटी गई है बाइक। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर के रामगढ़ कस्बे के सराय बाजार में बुजुर्ग के साथ ठगी करने का मामला सामने आया, जहां ठगों ने
कूपन स्क्रैच का झांसा देकर 50,000 रुपये लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। साथ में ये हुआ कि मेरे महिला के चौराहे से मेरी स्कूटी दिखाने के लिए आया था और नीमले वाले ने कहा गाड़ी मेरे को, एक बंदे ने मोटरसाइकिल वाले ने रोक लिया और वहाँ मेरे को उसने ये कही कि आज से 3 साल पहले भाई तहसीलदार एक रिटायरमेंट हुआ है, उसका मेरे को पता बता दो। भाई मैंने कही मैं उसका पता नहीं जानता हूँ। फिर उसी के साथ में फिर दूसरा आ गया और उसने 2 छोटे-छोटे बैग, उसमें उसके पास कूपन थे और वो कूपन। अधीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले निरस्त हुए हैं। तो पुलिस मुख्यालय में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं। 45 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं और इसके साथ ही 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले निरस्त हुए हैं। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। पुलिस मुख्यालय में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और इसकी सूची भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सच में धड़क सबसे पहले आपको ये पूरी लिस्ट दिखा रहा है। 45 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं और इसके अलावा 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले निरस्त हुए हैं। संवाददाता राकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, पुलिस मुख्यालय में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। राकेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे राकेश आपसे। अजमेर के पीसागंज से खबर है, जहां युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। आपसी कहासुनी में युवक को घर बुलाकर बेरहमी से पीटा। इंदिरा कॉलोनी निवासी जितेंद्र जागृत की हत्या हो गई है। मृतक के शव को पीसागंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस फरार हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीण की भीड़ इकट्ठा हो गई। पीसागंज के इंदिरा कॉलोनी की पूरी घटना है। अजमेर के पीसागंज से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपसी कहासुनी को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। बड़ी जानकारी, युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, फिर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। आपसी कहासुनी को लेकर युवक की हत्या की गई है।
संवाददाता रमेश मेरे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रमेश, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए मैडम, किसी बात को लेकर आपसी काफिले हो गई थी। आपसी काफिले के बाद में उस युवक को प्रेमपुर घर पे बुलाया और 3-4 युवकों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट से युवक अधमरा हो गया और उसको वहां से रवाना कर दिया। रस्ते में जाते जब युवक उसके घर पहुंचे, उससे पहले उसके रस्ते में दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलती पुलिस मौके पर पहुंच गई और तत्काल आरोपी को भी तलाश में जुट गई, लेकिन आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और सब को कब्जे में लेकर किसानी के मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। चलिए, शुक्रिया रमेश आपका अधिक जानकारी देने के लिए।